श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय की कुछ बात हो रही है और उसमें नमिराज ऋषि नाम के जो एक बहुत महान मुनि हुए उनका जिक्र है। अभी हम उनके कुछ जीवन के पूर्व भाग पर विचार कर रहे थे। नमिराज कौन थे, कैसे वैराग्य हुआ, कैसे साधु बने, ये इनके जीवन का उत्तरार्ध है। पूर्व भाग में क्या थे, क्या हुआ, वह हम समझने का प्रयास कर रहे। बंधुओ, आपने ये जाना कि मणिरथ और युग बाहु ये दो भाई थे। मणिरथ राजा थे, युग बाहु युवराज थे। अब इससे संसार दृष्टि से और आदमी को क्या चाहिए, राज प्राप्त हो गया, दुनिया के सारे सुख साधन प्राप्त हो गए, यह सब होने पर भी तृष्णा बड़े विचित्र है, जिसके कारण से मनुष्य भटकता है और दुखी होता है। आपने मणिरथ की बात सुनी थी, उसके मन में क्या बुरी भावना आई और वह उस बुरी भावना को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए प्रयत्न करने लगा, सोचने लगा। बीच में थोड़ी सी बात मनुष्य और मनुष्यता की करना चाहूंगा। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना, सबसे अच्छा कहा, क्या ये बात सत्य है? क्या जो सबसे श्रेष्ठता की बात कही ये घटित होती है? जहां तक मनुष्य की
श्रेष्ठता की बात है। उसकी दो स्थितियां हैं, एक तो केवल इतनी ही खाना पीना ये सब ये प्रवृत्तियां पशु में भी, एक दूसरी चीज है जिसको मनुष्यता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, वो चीज अतिरिक्त है। अगर इंसानियत है मनुष्यता है तो निश्चित रूप से वो महान और श्रेष्ठ है। अगर वो गुण नहीं है फिर श्रेष्ठता की बात नहीं है। बंधु इकबाल ने एक बात कही, खुदा तो मिलता है इंसान नहीं मिलता, खुदा तो मिलता है इंसान नहीं मिलता, यह वो चीज है जो देखी नहीं जा, ढूंढे से भी तलाश करने पर भी इंसान जिसमें यानी इंसानियत है वो नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। और कितने बड़ी बात कह दी, खुदा तो मिलता है यानी परमात्मा तो मिल जाए, पर सच्चा इंसान मिलना ये बहुत बहुत मुश्किल है। गालिब ने भी इस बारे में एक बात कही और क्या कहा, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। ऐसा कोई काम नहीं है जो आसान न हो सके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। मेहनत करें पुरुषार्थ करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाए। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी का भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मुश्किल बात यह है, इंसानियत जिसमें आ जाए ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। तो ये फिर मनुष्य बिगड़ता क्यों है, भटकता क्यों है, इसके अंदर गिरावट आती क्यों है? इसका कारण उसके जीवन के अंदर व्यसन बुराइयां आ जाती। ये जो व्यसन है ये व्यक्ति के जीवन को भटका देते हैं, गिरा देते हैं। पर चिंतक भी बड़े विचित्र हैं। एक विचारक ने यूं कहा, अगर व्यसन जीवन में आ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाए। बड़ी मुश्किल बात कह दी, और कैसे हो जाए? व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसनद्वये नैव केवलं व्यसनम्। दो व्यसन आदमी के जीवन में आ जाए। अब आप भी चौकन्ने होंगे कि भी व्यसन की बात चल रही है और कह रहे हैं कि दो व्यसन जीवन में आ जाए। व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसन में केवलम व्यसनम, केवल दो व्यसन आ जाए। क्या? विद्या व्यसनम व्यसनम अथवा हरि पाद सेवनम व्यसनम। दो व्यसन किसी के जीवन में आ जाए उस व्यक्ति का उद्धार हो जाए। एक व्यसन है विद्या अभ्यास ज्ञान स्वाध्याय और दूसरा हरि पाद सेवनम, परमात्मा को याद करना, परमात्मा की सेवा। अगर ये आ जाए किसी के जीवन में उसका उद्धार हो जाए।
लेकिन ये कहाँ आते हैं? व्यक्ति के जीवन में तो और ही और तरह के व्यसन आते हैं। जैन धर्म के अंदर सप्त को व्यसन कहे हैं। सात ऐसे बुराइयां हैं जिसके भी जीवन में आ जाती हैं उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। मणिरथ राजा, अब और क्या कहें राजा के लिए, और उसके जीवन का कितना पतन हुआ। वह यहां तक सोचने लगा अपने भाई के लिए, अगर ये रास्ते से हट जाए तब मेरा सोचा हुआ पूरा हो सकता अपने भाई के लिए। इसके लिए उसने योजना बनाई, और योजना बनाकर उसने क्या योजना बनाई कि पड़ोस का जो राजा है वो हमारे राज्य में छेड़छाड़ करता है, दखल देता है, उसको हटाया जाए, दूर किया जाए। और उसने स्वयं युद्ध के लिए जाने की बात की तो छोटे भाई ने कहा, भ्राता श्रेष्ठ, मैं हूं ना सेवा में, आपके सेवा में, राज्य की सेवा में, मैं जाऊंगा, आप क्यों जा रहे हो? नहीं, तुम यहां देखो, मैं जाऊंगा। ये तो सब औपचारिक बात थी, असली बात तो ये थी कि भी उसको भेजना था और किसी तरह से धोखे से उसको मरवाना था। योजना ये थी। युग बाहु सेना लेकर चला गया। जहां गए वहां तो युद्ध का कोई प्रसंग ही नहीं था, न उनकी कोई सेना थी, न उनकी कोई छेड़छाड़ थी, फिर भी उन्होंने कुछ चुनौतियां दी। उस राजा ने कहा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो जैसे आप विधान बनाए मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपके राज्य में कोई दखल दूँ। उसने तो हाथ जोड़ दिए। और फिर युग बाहु ने कहा, लड़े किससे, कोई है तो है नहीं। अपनी सेना लेकर वे वापिस हो गए। वापिस जब लौटे, नगर के बाहर बाग था, उस बाग में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, कल नगर प्रवेश करेंगे, ये सोच करके। सकुशल आ गए, ठीक आ गए, सारी बात ठीक हो गई, लेकिन मणिरथ तो बड़ा दुखी हुआ। बताओ, ये तो ठीक ठाक है, मैं सोचता था युद्ध में कुछ हो जाएगा या अपने आदमियों के द्वारा मैं कुछ करवा दूंगा, ये तो कुछ भी ना हुआ। युग बाहु बाग में ठहरा था, उसकी पत्नी रानी मदन रेखा, उसने सुना तो बहुत हर्षित हुई, अपने सखियों के साथ अपने पति का स्वागत करने बाग में पहुंची। जो था वहाँ रीति रिवाज, गीत गाना, मंगल गीत गाना, विजय के गीत गाना, वो सब हुआ। सखियाँ लौट आई, मदन रेखा वहाँ रह गई। मणिरथ अब भी बुरी भावनाएं सोच रहा था, कैसे और क्या हो? उसने सोचा, अब एकांत है, वह बाग में है, मैं जाऊं और किसी बहाने से कुछ भी जाकर मैं उसकी हत्या कर दूं। भाइयों, इतिहास भरा हुआ है ऐसी घटनाओं से। ये कषाय, ये लोभ,
इंसान से क्या क्या करवा देते हैं। कहीं राज्य का लोभ है, कहीं धन का लोभ है, कहीं और तरह के लोभ हैं, और ऐसा सोच करके वह देर रात में बाग में गया। जो पहरेदार थे उनके रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। महाराज आए हैं, अपने भाई से मिलने आए, अपने महाराज है, राजा है, रोकने का क्या प्रश्न था। बहुत पीड़ाजनक कथा है। मणिरथ गया, जो ठहरने की जगह थी, कोठी थी, जो भी था, वहां युग बाहु को पता लगा भाई आए हैं। वो स्वागत में बाहर आ गया, भाई को प्रणाम करने के लिए झुका, और आगे कहना बड़ा मुश्किल है। मणिरथ ने तो प्रणाम करते अपने भाई के ऊपर तलवार का भरपूर वार कर दिया। एक चीख निकली, खून की धारा बह निकली। अपना काम कर मणिरथ वहां से भाग गया। मणिरथ की कथा तो ये है कि वह इतना बड़ा भयंकर पाप करके भागा जा रहा था। रात थी, अंधेरा था, कुछ देख नहीं रहा था। रास्ते में कोई भयंकर विषैला नाग बैठा हुआ था।